देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज़्यादा वोटें मिली हैं बिहार में, और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है, और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उसमें जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया, और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रहेगी। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी, और जो शेड्यूल 9 की बात है तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए, और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी अच्छा प्रदर्शन हुआ है, अयोध्या जी दिया भाई जी, बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में? अगर चाचा साथ में आएंगे, चाचा साथ में।